शास्त्रों में वर्णित है, जब किसी मनुष्य की मृत्यु होती है तो उससे जुड़ी हर वस्तु को दान या फिर नष्ट कर देना चाहिए। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण और महंगी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिन्हें दान या नष्ट करने में मनुष्य संकोच करता है। हम बात कर रहे हैं गहनों की। यदि वो व्यक्ति स्त्री हो तो आप भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसके पास बहुत सारे आभूषणों की संख्या होगी। ऐसे में उनके गहनों के साथ क्या किया जाए, क्या उन्हें इस्तेमाल किया जा सकता है, और अगर ऐसा किया गया तो उसका परिणाम क्या हो सकता है। जब किसी मनुष्य की मृत्यु होती है तो वह इस दुनिया में एक रूप से निष्क्रिय हो जाता है और उसकी आत्मा भी भौतिक शरीर को त्याग कर दूसरी दुनिया में चली जाती है। इसीलिए उस व्यक्ति से जुड़ी चीज़ें अपनी ऊर्जा को खो देती हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो मृतक की ही तरह उससे जुड़ी चीज़ें भी अपना जीवन खो देती हैं। ऐसे में ऐसी वस्तुओं का उपयोग में लाने से आपकी सकारात्मक ऊर्जा भी नकारात्मक ऊर्जा में बदल जाती है। धर्मशास्त्र में विश्वास रखने वाले लोग मृतक से संबंधित लगभग हर निशानी को मिटाने के लिए तैयार हो जाते हैं, परंतु फिर भी उनकी स्मृति के तौर पर कुछ न कुछ चीज़ें अपने पास रख लेते हैं। लेकिन वो नहीं जानते उनके द्वारा उठाया गया कदम उन्हें मानसिक रूप से कमज़ोर करता है। इसीलिए सही होगा कि मृतक की वस्तुओं का नष्ट कर दें या फिर दान कर दें। लेकिन मृतक से जुड़ी वो चीज़ें, सोना या चांदी के गहने, दान और नष्ट दोनों ही नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में एक सुझाव गरुड़ पुराण में बताया गया है, जिसके अनुसार भले ही वो मृतक आपका पिता हो, भाई हो, बहन हो या फिर माता, किंतु यदि वो गहने मृत्यु के समय मृतक के शरीर पर मौजूद नहीं हो तो ऐसी स्थिति में उन्हें परिवार या करीबी रिश्तेदारों में बांटा जा सकता है। साथ ही यदि किसी व्यक्ति की मौत अनुमानित या ज़्यादा दर्दनाक रही हो तो ऐसे व्यक्ति के पास से निकले हुए गहने जैसे पायल, चैन, अंगूठी को परिवार के किसी भी सदस्य को दिया जा सकता है। और अगर आप ऐसी वस्तुओं को अपने निजी उपयोग में लाने की सोचते हैं तो आप सुनार के पास जाकर उस पुराने गहने के बदले कोई नई चीज़ ले सकते हैं। लेकिन यदि वो आभूषण किसी स्त्री का मंगलसूत्र जैसी चीज़ें, जिसे मृतक ने अपने पूरे जीवन में बहुत संभाल कर रखा और कभी भी अपने से दूर नहीं किया हो, तो उसे नष्ट करने में ही आपकी भलाई। इसके अलावा एक उपाय ये भी सामने आता है कि मृतक के आभूषणों को पवित्र पानी में रात भर रखने के बाद उसे उपयोग में लाया जा सकता है। साथ ही मृतक की मनपसंद रही चीज़ें और अक्सर इस्तेमाल करी चीज़ों का उपयोग ना करें, क्योंकि माना जाता है कि वो वस्तुएं लंबे समय तक उनकी निजी ऊर्जा को संग्रहित करती रहीं। लेकिन हाँ, इसके बावजूद इनका इस्तेमाल करना ही पड़े तो इसकी एक तकरीब गरुड़ पुराण में दी गई है, जिसमें बताया गया है कि मृत्यु के 40 दिनों बाद वो वस्तु मृतक की ऊर्जा से सुरक्षित हो जाती है। आपको यह भी बता दें कि अगर आप मृतकों के गहनों को बेचकर धन एकत्रित करना चाहते हैं तो आप उस धन को अपने लिए कभी इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि वो धन गलत जाना तय है। इसीलिए अगर आप ऐसा करते भी हैं तो प्रयास करें उसे किसी अच्छे कार्य में इस्तेमाल करें। यदि आपको किसी मृतक के आभूषण उपहार में मिले हैं तो ऐसी स्थिति में ये जरूर जान लें कि वो मृतक कोई जादुई अनुष्ठानों में शामिल ना हुआ हो, क्योंकि ऐसा करना आपके जीवन को खतरे में डाल सकता है।